बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू एपी स्टार किचन। उम्मीद है कि सब लोग खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अचार गोश्त की रेसिपी, जो कि झटपट मिनटों में तैयार हो जाती है। इसके लिए मैंने लिया है 1 किलो चिकन और 1 पाव हमारे पास दही है। सबसे पहले हम इसको मैरिनेट कर लेंगे। इसके बाउल के एक बाउल लेंगे, इसके अंदर हम दही शामिल करेंगे और इसमें हम शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट, 2 टेबलस्पून अदरक पेस्ट और साथ में हम शामिल कर लेंगे 1/2 टीस्पून नमक। नमक आप कम ही इसमें यूज़ करें, क्योंकि अचार गोश्त का जो मसाला होता है उसमें भी नमक होता है। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, ये भी इसके अंदर शामिल कर लेंगे और 3 टेबलस्पून अचार होममेड अचार गोश्त मसाला। इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों से पहले ही शेयर कर ली है, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ये भी हम इसके अंदर क्या ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक किलो के करीब हमारे पास चिकन है, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। 30 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे रखेंगे। अगर आपके पास बीफ या मटन का गोश्त है तो मटन है तो इसको आप 1 घंटे से 1.5 घंटे के लिए करेंगे, लेकिन मेरे पास चिकन है तो इसको हम 1/2 घंटे के लिए रेस्ट देंगे। चिकन को हमने 30 मिनट रेस्ट के लिए रख दिया है। उतनी देर हम सब्ज़ मिर्च को कट लगा के इसके अंदर मसाला फिल कर लेंगे। यहाँ मैंने 3 टेबलस्पून लेमन का जूस लिया है और इसके अंदर 2 टेबलस्पून हम शामिल करेंगे अचार गोश्त मसाला, जो हमने घर में ही बना के रखा हुआ है। ये इसके अंदर शामिल करेंगे और इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। अचार गोश्त में ये मिर्चों का होना लाजमी है, वरना वो वाला टेस्ट नहीं आता। तो इसको हमने कट लगा लिया है, अब हम इसके अंदर मसाला फिल करेंगे। आप 3 से 4 सब्ज मिर्च ले सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। जी, सब्ज मिर्च हमने मसाले के साथ फिल कर ली हैं। अब हम लेंगे कढ़ाई और इसमें शामिल करेंगे ऑयल। मैं यूज़ करती हूँ हबीब बनस्पति घी, ये कोलेस्ट्रॉल से पाक होता है। ऑयल को हम गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें शामिल करेंगे प्याज, जो मैंने 5 से 6 अदद दिए हैं, और इसको लाइट ब्राउन करेंगे। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनती है और मिनटों में बन जाती है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। प्याज हमारे फ्राई हो रहे हैं, अब हम इसको लाइट ब्राउन करेंगे। मज़ीद हम इसे 3 से 4 मिनट कुक करेंगे। माशाल्लाह से प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, 2 से 3 अदद मैंने टमाटर दिए थे, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और 5 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से कुक करेंगे और ऊपर से कवर कर देंगे, ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। अब हम चेक करेंगे कि टमाटर हमारे सॉफ्ट हुए हैं या नहीं। माशाल्लाह से प्याज और टमाटर हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम ऐड करेंगे चिकन, जो हमने 30 मिनट के लिए रेस्ट पे रखा था, वो इसमें ऐड करेंगे। और अच्छे से मिक्स करेंगे।
माशाल्लाह से आप देखेंगे कि आपका कितना अच्छा सा अचार गोश्त रेडी होगा। आप रेसिपी को फॉलो ज़रूर किया करें और कमेंट में बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। मेरी कोशिश होती है कि आपको बहुत यूनिक, इजी और बजट के अंदर रेसिपी बताऊं, तो इसलिए आप ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में बताएं। और इसको अब हम हाई फ्लेम पे 10 मिनट के लिए कुक करेंगे और इसमें ज़्यादा स्पाइसेस और ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी अचार गोश्त का जो मसाला हमने रेडी किया है सारे स्पाइसेस उसमें मौजूद हैं। बस हम इसको 10 मिनट के लिए कुक करेंगे। गोश्त कुक होते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको चेक करेंगे। माशाल्लाह से जो दही का पानी था वो खुश्क हो रहा है, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी सी ग्रेवी भी बन रही है। मज़ीद हम इसके पानी को खुश्क करेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्च जो हमने मसाले से फिल करके रखी हुई हैं, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए और कुक करेंगे ताकि और भी अच्छी सी खुशबू आ जाए और ये पानी भी इसका खुश्क हो जाए। ये हमारा मज़ेदार सा अचार गोश्त रेडी है, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी लुक आ रही है और खुशबू भी। अब हम इसमें शामिल कर देंगे खूब सारा सब्ज़ धनिया, देखने में इतनी अच्छी लुक है तो इंशाल्लाह खाने में भी अच्छी ही होगी, एक बार ज़रूर ट्राई करें। अब हम इसको सर्व करेंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।